हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। मेरा नाम है मनीषा। आपको कुछ अलग सा दिख रहा है? कुछ भी अलग सा? यस, वह है टेडी बियर और ये है मेरे पास पेन। अब आप कहेंगे टेडी बियर का पेन से क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। एक्चुअली आज हम लोग पढ़ेंगे दिस दैट दिस दोस का यूज़। इसे यूज़ कहाँ कहाँ करना है ये आज हम लोग देखेंगे। ओके, मैंने टेडी बियर को देखकर आपसे कहा वह है टेडी बियर। वह का यूज़ क्यों किया? क्योंकि एक तो टेडी बियर एक है, सिमिलर है, और प्लस वो हमसे दूर है। ठीक है, दूर रखा हुआ है ना, इसलिए हम लोग जनरली यूज़ करते हैं हिंदी में वह है टेडी बियर। और वह की इंग्लिश होती है दैट, तो हम लोग बोलेंगे दैट इज़ टेडी बियर। अब इसी तरह मैंने कहा यह है पेन। पेन भी हमारा एक है, सिमिलर है। हम कहेंगे यह है पेन, तो यह की होती है इंग्लिश दिस, तो दिस इज पेन। ओके, तो जो हमारे पास चीज़ है उसके लिए हम दिस का यूज़ करेंगे, अगर वो केवल वन एक ही है तब। और जो हमारे दूर है और केवल एक ही है तो उसके लिए हम दैट का यूज़ करेंगे। अब उसी तरह वह है कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर मेरे से दूर है तो मैं आपसे बोल रही हूँ वह है कंप्यूटर, दैट इज़ कंप्यूटर। अब यही मैं कंप्यूटर के पास चली जाऊँ तो मैं कहूँ कि दिस इज़ कंप्यूटर, है ना, समझ रहे हैं ना आप? मैं कहूँ कि दिस इज़ कंप्यूटर क्योंकि वह मेरे पास में है, इसलिए दिस का यूज़ किया। अब जब तक दूर है कंप्यूटर मैंने दैट का यूज़ किया कि दैट इज़ कंप्यूटर। अब इसी तरह मान लीजिए मेरे पास दो तीन पेन हैं, ओके, और वो दूर रखी हुई हैं मेरे से, तो मैं बोलूँगी अब पेन एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो मैं यूज़ करूँगी दोज आर पेन्स। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत सारे पेन्स हैं जो कि दूर रखे हुए हैं, तो दूर के लिए हम लोग दैट का यूज़ करते हैं जब एक रहता है, और जब बहुत सारे रहते हैं तो हम लोग दोज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दो तीन पेन हैं तो हम लोग बोलेंगे क्या, दोज आर पेन्स। अब यही अगर मेरे पास पेन है, एक से ज़्यादा पेन है, तो दीज टी एच ई एस ई दीज वहाँ हो जाएगा, दीज आर पेन्स। जो पास में है और प्लूरल है वो दीज यूज होगा उसके लिए, और जो दूर है और प्लूरल है तो उनके लिए दोज यूज होगा। ओके, तो हम इसी पे सेंटेंसेस बनाएंगे दिस दैट दीज दोज पर। ओके, तो फिर चलिए लर्न करते हैं। ये देखिए, ये हमारा हाथ है जो कि पास में है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये डॉग के पास में है, तो इसका मतलब हम यहाँ दिस का यूज़ करेंगे। और जब ये दूर रहे तो इसका मतलब कि डॉग दूर है तो हम दैट का यूज़ करेंगे। ओके, अब चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। यह एक कुत्ता है, क्योंकि ये हमारा हाथ इंडिकेट कर रहा है कि डॉग पास में है, तो यह एक कुत्ता है, इसका मतलब हम यहाँ लगाएंगे दिस इज अ डॉग। यह कुत्ता काला है, दूसरा सेंटेंस है हमारा यह कुत्ता काला है, तो दिस डॉग इज ब्लैक। ओके, अब यह हमारा जो हाथ है वो दूर है, ये मैट है, चटाई है, ये दूर है, तो वह एक चटाई है हो जाएगा, और इसका इंग्लिश हो जाएगा क्या, दैट इज अ मैट। अब वह चटाई लाल है तो दैट मैट इज रेड, ये हो जाएगा। ओके, दैट लग जाएगा। अब इसमें हमारा हाथ इंडिकेट कर रहा है कि जो प्लांट है, पौधा, वो हमारे पास में है, तो हम लिखेंगे यह एक पौधा है, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, दिस इज अ प्लांट, दिस इज अ प्लांट। यह बड़ा पौधा है तो दिस इज अ बिग प्लांट। अब सीखते हैं कि दिस का यूज कब होता है, ठीक है, दिस और दोज का। तब जैसे देखिए, ये हमारा हाथ इंडिकेट कर रहा है पास ही में है, मतलब ये सारे जो चूहे हैं पास में हैं, तो ये सब या फिर ये चूहे हैं, तो हम कैसे इसे लिखेंगे, तो फिर हम लिखेंगे दीज आर, क्योंकि एक से ज़्यादा चूहे हैं तो दीज आर रैट्स। और अगर हम कहें कि ये चूहे ब्राउन हैं तो हम क्या लिखेंगे, दीज रैट्स आर ब्राउन, These rats are brown, okay? तो ये तो हो गया हमारा these
अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। अब देखिए ये मधुमक्खियां हैं, ओके मधुमक्खियां, लेकिन हमारे हमसे दूर हैं, ठीक है। ये हैंड इंडिकेट कर रहा है कि हमसे दूर हैं, तो इसका मतलब हो गया वो सब मधुमक्खियां हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, दोज लगाएंगे यहाँ पर, दोज आर बीज, ओके। अब है हमारा नेक्स्ट, वो मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं, ठीक है, वो मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं, तो फिर हम लिखेंगे दोज बीज आर, उड़ रही हैं तो फ्लाइंग हो जाएगा, दोज बीज आर फ्लाइंग। अब देखिए ये जो है वो गर्ल है, और उससे जो ये क्रैब है, केकड़े हैं, उससे दूर हैं, तो ये कह रही है वो सब केकड़े हैं, क्योंकि ये दूर है, इस लड़की से तो ये दूर है, तो वो सब केकड़े हैं ये बोल रही है। तो हम क्या लिखेंगे, दोज आर क्रैब्स, ऐसा लग गया क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल आ गए, तो दोज आर क्रैब्स। अब देखिए ये है सेल्स, सेल्स कहाँ मिलते हैं, बीच पर मिलते हैं, ठीक है, और यहाँ मतलब हमारे पास ही हैं ये सेल्स, हम पास से इसको इंडिकेट कर रहे हैं, दूर से नहीं पास से इंडिकेट कर रहे हैं। तो क्या है, दीज आर सेल्स, दीज आर सेल्स, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दीज आर सेल्स इन द सैंड, दीज आर सेल्स। यहाँ सेल एक नहीं है, तीन है, इसलिए हम यहाँ दीज का यूज करेंगे, इन द सैंड, सैंड मीन्स बालू होता है, तो ये सेल्स हैं जो बालू पर हैं, ठीक है, क्योंकि बालू में पाए जाते हैं ना सेल्स, तो फिर दीज आर सेल्स इन द सैंड हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छे से समझा होगा आपने कि किधर दैट का यूज़ करेंगे, कहाँ दोज, कहाँ दिस और कहाँ दिस का यूज़ करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन, रेड बटन को आपको प्रेस करना है, इससे हमें मोटिवेशन ही मिलती है, हम और वीडियोस अपलोड करने में हम मोटिवेट होते हैं, इसलिए प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।